तो हेलो भाई लोग, आज देख सकते हैं हमारे पास है मोटोरोला का मोटो H40 नियो। ठीक है, H40 और मोटो के बहुत सारे मॉडल्स हैं जो है सेम प्रोसेस होने वाले। DPI कैसे आप लोग बढ़ा सकते हैं मोटो के फ़ोन्स में। ठीक है, तो DPI बढ़ने के लिए आप लोगों को बेसिकली जाना है आप लोगों के फ़ोन के सेटिंग्स में। जाने के बाद डेवलपर ऑप्शंस आप लोगों को ऑन करना है। ठीक है, ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा इनेबल करने के लिए, अबाउट फोन के अंदर चले जाना है। जाने के बाद बिल्ड नंबर मिल जाएगा नीचे, इस पर 3-4 बार टैप करेंगे तो यू आर नाउ ए डेवलपर लिखा आ जाएगा, मतलब आप लोगों का डेवलपर ऑप्शन ऑन हो गया है। ठीक है, अब यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद आप लोगों जो है सिस्टम के अंदर चले जाना है। इधर आप लोगों को नया ऑप्शन देखने को मिलेगा डेवलपर ऑप्शन बोल के, तो इधर आप लोगों को आने के बाद एकदम नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आप लोगों को ड्राइंग वाला सेक्शन ढूंढना है, तो ये रहा हमारा ड्राइंग वाला सेक्शन। तो इधर पे आप लोग इस स्क्रॉल करके स्मॉलेस्ट विथ वाला ऑप्शन मिल जाएगा। बेसिकली यही आप लोगों का DPI वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो इस फोन का जो है डिफॉल्ट DPI 432 है। ठीक है, तो इसको इस फोन के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि 800 से ज़्यादा तक ना बढ़ाए मोटोरोला के इस फोन के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग जो है DPI बढ़ा या घटा सकते हैं। अगर आप लोगों मान लीजिए ये ऑप्शन नहीं चाहिए तो यहाँ पे डिफॉल्ट DPI करके डेवलपर ऑप्शन को ऑफ भी करके दे सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ से ऑफ करते हैं तो हमारा ऑप्शन जो है ऑटोमेटिक हट जाएगा। सेम प्रोसेस से आप लोग को अबाउट फोन में जाके बिल नंबर पे टैप करके डेवलपर ऑप्शन इनेबल करना है। तो ऐसे ही आप लोग जो है DPI बढ़ा सकते हैं और डेवलपर ऑप्शन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। थैंक यू।